मलाइका अरोड़ा के कोरोना होने के बाद से एक्ट्रेस डांसर नूर फतेह ने रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पर जज की कुर्सी संभाली है। नूर फतेह के अंदाज और टेरेस लुई के संग उनके दोस्ती और केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लेकिन साथ ही दोनों के लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। कुछ दिन से नूर फतेह और टेरेस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कोरियोग्राफर टेरेस लुई को जमकर खिंचाई कर रहे हैं। दरअसल वायरल हो रही वीडियो में टेरेस इंडियाज बेस्ट डांसर शो के एक एपिसोड में एक्टर नूर फतेह के पीछे टच करते दिख रहे हैं। उनकी इस क्लिप को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही टेरेस को जमकर खरी खोटी भी सुनाई जा रही है। हालांकि टेरेस और नूरा के बीच यह सीन कैमरा एंगल की गलती है या सही, ऐसा कुछ अभी तक साफ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजर का कहना है कि इन सब की वजह से बॉलीवुड बदनाम है। एक यूजर ने लिखा है, कम से कम टेरेस है तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वहीं कुछ लोगों ने टेरेस की सपोर्ट की है। एक अन्य ट्विटर ने यूजर्स ने लिखा है, 23 साल से टेरेस के जानती हूँ, वह जेंटलमैन है, ऐसा नहीं कर सकते, गलती से हुआ है। यह वायरल वीडियो एपिसोड 12 सितंबर को टेलीकास्ट बताया जा रहा है। ये नूर फतेह के इंडियाज बेस्ट डांसर के शुरुआती दिनों का है, जब पहली बार जज बनकर आई थी। इस शो को पहले मलाइका अरोड़ा जज कर रही थी। मलाइका अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शो में नूर फतेह एंट्री हुई। मिलाद शो का गीता कपूर, टेरेस और लुई नूर फतेह जज कर रहे हैं। इस विवाद पर अभी तक के टेरेस या नूर फतेह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो समाप्त होती है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना।